ये संगीन सूरत इख्तियार करती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। और ये इसका जाहिर सी बात है, ये गवर्नमेंट के ऊपर सारा और लोगों का जो सामान है खाने पीने का सब कुछ मतलब रखती हैं लाती हैं और लोगों के ऐसे लग रहा है सांस बंद हो रही है। सही बात है। अगर वही बात क्या करें, हम तबसरे करके हम अपने दिलों को थोड़ा सुकून दे सुकून दे लेते हैं। जाहिर सी बात है, घर में जब कुछ ना हो तो घर से निकलना जरूरी हो जाता है। यही होता है, बाहर जाएंगे तो बाहर भी परेशानी नजर आएगी, एक खौफ का आलम होगा कि कहीं हमें हमारी गाड़ी को कुछ मार ना दे या बस वालों को कुछ मार ना दे। तो इंसान हम तो न घर के हैं न बाहर के हैं। बिल्कुल सही, बस दुआ करें बैठ के, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, अपना करम करे और हमारे जो गलतियां ना करदा गुनाह जो हैं उनकी माफी हमें दे दे। मैं तो हंस रही थी कि जब बिजली चली जाए ना तो सब जायनमाज बिछा कर तस्वीर हाथों में पकड़ लें और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, बस यही हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही। थैंक यू मिसेज आफ्ताब, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। जनाब जी, मिस आमिर साहब जी, जी जी तजर्बात हो गए। हाँ अच्छा अच्छा, इनके हाथ में एक बड़ी लकी सी चीज बन रही है, वो है रिंग ऑफ सुलेमान। अच्छा माशाल्लाह। जो कि मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था, शायद लाखों हाथों में से किसी एक हाथ में होता है रिंग ऑफ सुलेमान। जब आपके हाथ में अगर कंप्लीट बन जाएगा तो आपके पास दौलत का कोई शुमार नहीं होगा माशाल्लाह से। दुनियावी तौर पर आप फाइनेंशियली तौर पर इतने स्ट्रांग होंगे, पाकिस्तानी सियासतदान से ज्यादा दौलत होगी सर, ज्यादा होगी ज्यादा होगी यकीन। अभी ना बताया, बस ये है कि अभी नहीं, आप कंपेयर नहीं करवाइएगा कि किससे ज्यादा होगी, मतलब किसी एक फर्द से कंपेयर नहीं करवाइएगा, बाकी ये कि इंशाल्लाह ज्यादा होगी दौलत और ऐसे जराए और ऐसे रास्ते बने। अल्लाह आपका मुंह मीठा कर, आधा आपको मैं दे दूंगा। अरे नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अदा करे, अल्लाह आपको नसीब करे। और ये के और इसको दबा के रखिए। हाँ मतलब ये सबसे ज्यादा अहम बात ये है कि पैसा या दौलत आने के बाद उसको बर्दाश्त करना जो है, उसकी बर्दाश्त की भी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मैं इसको अच्छे तरीके से बरत सकूँ और लोगों के काम आ सकूँ। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप एक मस्जिद जरूर बनवाइएगा, ये याद रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इंशाल्लाह। तो हमारे पास इस वक्त शादी का भी सेगमेंट है, होने वाली है उनकी शादियां, दुआ करते हैं कि उनकी शादियां बखैर खूबी अंजाम पाए। आइए आपको दिखाते हैं किन किन की शादियां होने वाली हैं जी। मत्थे दे चमकन वाल मेरे बनड़े दे, फिजा अली की शादी हो रही है जी एम रेहान से 22 जुलाई को गुजरांवाला में। कुलसुम फातिमा की शादी हो रही है अदनान यूसुफ के साथ 22 जुलाई को इस्लामाबाद में। मुबारक हो आपको शादी की बहुत बहुत, और होपफुली बारिश ना हो और आपकी शादी जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो। सादिया इमरान की शादी हो रही है जी जुनेद सदीकी से, जुनेद सादिक से 22 जुलाई को कराची में। बहुत बहुत मुबारक हो सादिया और जुनेद। कमल राशिद की शादी हो रही है मिस्बा खालिद से 23 जुलाई को कराची में। 23 जुलाई। मलीहा सलीम की शादी हो रही है जी शहबाज खान से 23 जुलाई को लाहौर में। शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको, मुबारक हो। ओके जी, ये थे जी शादीशुदा जोड़े। और शादियों से मुझे याद आया कि 23 को जो है वो हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट आलिया इमाम, उनकी भी शादी है और उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि उनकी शादी जो है वो बखैर खूबी हो और अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुश रखे और उन्हें बहुत सारी जिंदगी खुशियां देखना नसीब करे। सादिया जी और आलिया जी को, सादिया इमाम और आलिया इमाम दोनों बहनें हैं, आलिया इमाम की शादी हो रही है 23 को, उन दोनों को और उनकी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और वक्त भी अब खत्म हो रहा है, आप कुछ सुनाना चाहेंगे एंड में?
अपनी एक नज़म सुना देते हैं। चले जबरदस्त। और आमिर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शाहिद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहिद साहब से हम एक नज़म सुनते हैं, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ करती हूँ कि हालात आज कुछ बेहतर हो जाएं, और KESC वाले जो हैं वो अपने इंतजाम को बेहतर कर लें, और लाइट जो है पूरे कराची की रोशनियां जो हैं वो वापस बहाल हो जाएं, यही हमारी दुआ है इंशाल्लाह ताला। कल जब हम आएंगे आपके साथ तो हालात कुछ बेहतर होंगे। इजाजत दीजिए और नज़म सुनते हैं। इसका उन्वान है तू मेरी जुबान ले ले। अच्छा। आज फिर दिल टूट रहा है, टुकड़ों में गिर रहा है, खून आंखों से कतरा कतरा गिर रहा है। बेसुकूनी क्या कहूँ, बेताबी कैसे कहूँ, बेकरारी कहूँ या न कहूँ, बस कलम से कागज पर खूने स्याही उंडेल रहा हूँ। स्याही फैल रही है, अल्फाज उभर रहे हैं, ये जुमले बन रहे हैं। तू परेशान अपनों के दुखों से है, तू परेशान सगों की उम्मीदों से है, तू परेशान झूठ और वादों से है, तू परेशान मुनाफिक मोहब्बतों से है। तूने महसूस सब कुछ किया, तू मगर कुछ कह न सका। तुझसे इल्तिजा है ऐ मेरी प्यारी स्याही, तू मेरी जबान ले ले, बस मेरी जबान ले ले। वाह क्या बात है, जबरदस्त। राइट जी, इसके साथ ही हम लेते हैं आपसे इजाजत, और इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही और हालात ने इजाजत दी तो कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अगर दोबारा आएंगे, अगर खुदा लाया तो आप इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या इसमें है? ये जो मोहब्बत का तोहफा है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जी रब राखा, आपसे कल मुलाकात करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल और थोड़ी सी बर्दाश्त से काम लें, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हालात जरूर बेहतर हो जाएंगे। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज और रब राखा। अल्लाह हाफिज।